कि अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं या सनातन को कुछ जानने वाले हैं तो जरूर इनसे एक बार संपर्क कीजिए, या आपको अच्छी तरीके से बताएंगी कि वाकई में सनातन धर्म का स्वागत है आरएन टीवी चैनल पे। जैसा कि आजकल लड़के या लड़कियां सनातन धर्म से थोड़ा सा दूर जा रही हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देवशयनी एकादशी है जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इनके बारे में लोगों से पूछेंगे तो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो एकादशी है देवशयनी एकादशी है, इसके बाद से कहते हैं कि एक बार इसके लिए एक कथा है जिसमें कहते हैं कि कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु जी ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको किस नाम से जानेंगे और कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे एक कहानी है जो सतयुग में ब्रह्मा जी ने नारायण जी को। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी आरएन टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लड़के या नवयुवक जिस तरीके से धर्म से विमुख हो रहे हैं उसी में आज एक हमारी बड़ी बहन है सरिता पांडे जी। आज हम गोरखपुर में हैं और यहीं पे ही इनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं और आप लोगों को दिखाना भी चाह रहे हैं कि धर्म से जो नवयुवक विमुख होते हैं कुछ उस पर भी चर्चा होगी। चूंकि ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर चुकी हैं, पढ़ाती भी हैं, तो उसके बारे में भी इनसे कुछ जानकारी लेंगे और शायद इसमें क्या भविष्य होता है वो भी जानकारी लेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले या सनातन को कुछ जानने वाले हैं तो जरूर इनसे एक बार संपर्क कीजिए, या आपको अच्छी तरीके से बताएंगी कि वाकई में सनातन धर्म होता क्या है। ये बड़ी बहन है सरिता जी, सरिता पांडे जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है आरएन टीवी चैनल पे। जैसा कि आजकल लड़के या लड़कियां सनातन धर्म से थोड़ा सा दूर जा रही हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि जितने भी हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, जो हिंदू लोग हैं, यही कहूंगी कि उन्हें सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आज कहेंगे कि आज हमारी देवशयनी एकादशी है जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इनके बारे में लोगों से पूछेंगे तो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जो एकादशी है देवशयनी एकादशी है, इसके बाद से ही जो है वो चौमासा शुरू होता है जिसमें चार महीने तक जो है कहते हैं कि हमारे विष्णुदेव जो सबको सबकी रक्षा करते हैं वो चले जाते हैं शयन करने के लिए। तो इन चौमासे में जो है लोग और धर्म को और अच्छी तरीके से उसको बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इन चौमासे में कहते हैं कि एक बार इसके लिए एक कथा है जिसमें कहते हैं कि कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु जी ये आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको किस नाम से जानेंगे और कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे एक कहानी है जो सतयुग में ब्रह्मा जी ने नारायण जी को सुनाई थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारायण जी को सुनाई थी, वो तुम्हें मैं सुनाता हूँ। कहते हैं कि सतयुग में एक मांधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, उन राजा के समय में बहुत ही अच्छा सब कुछ था, प्रजा बहुत सुखी थी, धन धान्य से भरा था, लेकिन 3 सालों से आषाढ़ मास में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं होने का रीज़न था कि लोग जो है वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी वजह से जो है बारिश होना, इंद्र नाराज हो गए और बारिश नहीं हुई और 3 सालों से जो है वो सूखा पड़ना शुरू हो गया और लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे। फिर उन्होंने बताया कि एक ऋषि के पास जाइए जिनका नाम ऐसे है, जिनका नाम है मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, एक ऋषि हैं उनके पास आप जाइए और उनसे आप पूछिए कि किस प्रकार से मैं इस धरती को धरा भरा धन धान्य से भरा हुआ कैसे कर सकता हूँ। उस ऋषि के पास वो मांधाता चक्रवर्ती राजा गए और उन ऋषि के पास जाने के बाद जो है वो ऋषि
उनको बताए कि इस आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है आप उसका व्रत करें। इस व्रत को करने से हमारे प्रभु जी खुश होंगे और आपकी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। उस धरती के हरे भरे होने का ये रीज़न हुआ कि उनके व्रत के बाद से फिर से जो है पूरी धरती जो है बारिश से भीग गई और फिर से सारा खुशहाल हो गया। तो यही कहेंगे कि हम जो व्रत करते हैं, जो त्यौहार करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानिए कि इनके पीछे रीज़न क्या है। इनको अगर आप जानते हैं, समझते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारा सनातन धर्म एक भरा हुआ पूरा, जिसको कहेंगे कि लबालब भरा हुआ है, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अगर आप सीख जाते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये लोगों के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं लाल किताब पढ़ाती हूँ और लाल किताब के कोर्स करवाती हूँ और मैं कुंडली विश्लेषण भी करवाती हूँ। तो आप मुझे मेरे भाई के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाल किताब के उपायों के द्वारा दे सकती हूँ। जिसके लिए ये लाल किताब होता क्या है और उसका मतलब क्या पूरा लाल किताब एक ऐसी, जिसको बोलते हैं कि ये जो है बेसिकली पंजाब साइड में आया, जिसका 1952 में हमारे श्री रूपचंद जोशी जी ने इस किताब का को लिखा था। जो पूरा ग्रंथ है, ये दो बुक में है, पूरा ग्रंथ है जिसमें वास्तु, हस्तरेखा और कुंडली, इन तीनों का समावेश है। और इनका पूरा ये ग्रंथ जो है एक तरीके से आज बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित है, क्योंकि हमारे पास कुंडली देखने का और हम वास्तु से भी और आपके हस्तरेखा से भी आपके उपायों तक पहुंच सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपकी किस्मत है तो आप उनसे मिलेंगे और मैं उस चीज़ तक पहुंच सकने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जिस तरीके से आज के समय में लड़के, जो हिंदू लड़के हैं, वो सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं, उसका कारण क्या है और फिर वापस उनको अगर लेके आना हो तो क्या करना चाहिए? दूर जाने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि क्योंकि पश्चिम की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, जबकि हमारा, मैंने कहा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो ग्रंथ है, ये पूरा सब कुछ अपने में समावेशित करता है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके बाहर है। अगर वो वापस आते हैं, इनको हमारे कोर्स में सम्मिलित किया जाता है, उसको अगर रोज़ कुछ कुछ लेते हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे और हमें इसको जान करके अपनी संस्कृति पर गर्व भी होगा। तो इसलिए हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, हमारी संस्कृति को जानना चाहिए और समझना चाहिए, तभी हमारा धर्म भी बढ़ेगा और हम अपने धर्म को आगे ले जाने में सक्षम भी होंगे। सही चीज़ें, सही रास्ता मिलने की देर है। आप सभी, ऐसा मैं नहीं कहती कि हर कोई सही बताता है, मगर उसकी परख आपको करनी पड़ेगी और आप खुद शुरुआत करें और उसको सीखें और जानने की कोशिश करें। आप मेरे पास आए, मैं यही कहूँगी, आप मुझसे बात करें, मिलें, मैं आपको चीज़ों का रास्ता आपको निकालूंगी, दूंगी, आप मुझसे मिल सकते हैं। तो आपका नंबर मिल सकता है जिससे बात हो पाए ताकि चैनल पे चले? मेरा नंबर है 9669852953। आप इस पे बात कर सकते हैं और इस पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको आपकी पत्रियों पे कंसल्टेंसी भी दे सकती हूँ। मैं अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आप बात अभी सुन रहे थे सरिता पांडे जी से और इन्होंने आपको बता भी दिया और जिस तरीके से आपने इनको सुना, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को समझना अपने आप में ही एक बड़ी भूमिका होती है और सनातन धर्म को समझना इतना छोटा आसान भी नहीं है। और जिस तरीके से बहन बता रही थी अभी और आप लोग देख भी रहे थे कि हस्त रेखा, ये जो हाथ की रेखाएं होती हैं, इनको भी पढ़ के बताया जा सकता है कि आपके भविष्य में, वर्तमान में और भूत में क्या था, क्या है और क्या चलने वाला है। तो जरूर देखिए और इनका संपर्क नंबर आपके इसी चैनल पे और इसी वीडियो में है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी हो आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।